મોર્નિંગ, કેમ છો? હું નિખિલ મિસ્ત્રી મારી YouTube ચેનલ નિખિલ મિસ્ત્રી સાયન્સ લર્ન વિથ ફનના ઓનલાઈન વિડિયો લેક્ચર સિરીઝની અંદર આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ચર્ચા કરશું ધોરણ 9 ની અંદર ગુજરાતી માધ્યમમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયની અંદર ભૌતિક વિજ્ઞાન એટલે કે ફિઝિક્સની અંદર પ્રકરણ નંબર 8 કે જેનું નામ છે ગતિ, એના ભાગ 6 વિશે આજનો આપણો જે આખો ટોપિક છે એ ટોપિક એક જ વસ્તુ ઉપર ચાલશે જેનું નામ છે પ્રવેગ। તો આ પ્રવેગનો ટોપિક ચાલે પહેલાં હું દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ એ કહેવા માંગુ છું કે જો હજી સુધી તમે મારી YouTube ચેનલ નિખિલ મિસ્ત્રી સાયન્સ લર્ન વિથ ફનને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો જોવે છે પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરતા નથી, લાઇક કરતા નથી। तो विद्यार्थी मित्रों तमने खास विनती है कि वीडियो ने मैक्सिमम लाइक करो कि जेथी अमने पण वीडियो बनावानो उत्साह जागे। वीडियो ने वधु तमारा विद्यार्थी मित्रों सुधी शेर करवानो टार्गेट राखो। तो विद्यार्थी मित्रों आटलू ज तमारे काम करवानुं छे कि जेथी जे पण साहेब वीडियो बनावे छे तेने वीडियो बनावा माटे उत्साह जागे। तो चलो शुरुआत करिए। આજનો જે આપણો ટોપિક છે એ ટોપિકનું નામ અહીંયા તમને દર્શાવેલું છે કે જેને આપણે પ્રવેગ તરીકે ઓળખીએ છીએ। तो प्रवेग कोने कहवाय? तो जो शुरुआत में ज आप्युं छे वेगना फेरफारनो दर, एटले के वेगनी अंदर जो फेरफार थतो होय तो आपणे तेने शुं कहीए छीए? प्रवेग कहीए छीए। तो प्रवेगनी व्याख्या अहींया तमने आपेली छे। ओके, तो जो प्रवेगने सामान्य भाषामां एवुं पण कहेवाय के वेगमां थतो फेरफार, अथवा तो एवुं पण कही शकीए के भाई एकम समयमां वस्तुना वेगमां थतो फेरफार, एटले के वस्तुना वेगमां थता फेरफार बंने आवे, घटाडो पण आवे अने वधारो पण आवे। तो अहींया जुओ कोईपण पदार्थ सुरेख पथ उपर जो नियमित गति करतो होय, नियमित गति एटले के समयना एक सरखा गाळामां ए जो एक सरखुं अंतर कापतो होय तो आ समये ते केवुं तो भाई पोतानो वेग अचळ राखे छे अने वेग अचल राखे। तो आवा किस्सामां वेगमां थता फेरफारनो दर एटले के प्रवेग केवो होय? शून्य होय। केम? कारण के तेना वेगमां कोई पण प्रकारनो फेरफार थतो नथी। आपणे नियमित गतिमां ओलुं 55 किलोमीटर प्रति कलाकनुं उदाहरण आपणे जोयुं हतुं अने ए उदाहरण प्रमाणे एटलुं कहेवा मांगे छे के जो समयना सरखा गाळामां तमे सरखुं अंतर कापो छो तो आ किस्सामां तमारो प्रवेग केवो थाय छे? शून्य। अने जो समयना सरखा गाळामां तमे सरखुं अंतर नथी कापता तो आ किस्सामां तमारो प्रवेग शुं थाय छे? कोईक मूल्य जे धन के ऋण किंमत तमने आपे छे। तो जो कोई पदार्थ अनियमित गति करतो होय, केवी गति करतो होय? अनियमित। जो कोई पदार्थ अनियमित गति करतो होय तो ते समय साथे तेनो वेग बदलाय छे अने आपणने प्रवेगनुं मूल्य मळे छे। हवे प्रवेगने आपणे ऑफिशियली अहींया आपणे भणीए। तो जुओ तमने अहींया प्रवेगनी चोक्कस व्याख्या आपी छे के जे परीक्षानी अंदर 1 मार्क मां पूछावा लायक छे। प्रवेग कोने कहेवाय? तो एकम समयमां वेगमां थता फेरफारने। कोनी अंदर फेरफार थाय छे? एकम समयमां वेगमां थता फेरफारने प्रवेग कहेवामां आवे छे, प्रवेग तरीके ओळखवामां आवे छे। प्रवेग बराबर शुं थाय छे? वेगमां थतो फेरफार भाग्या लीधेलो समय, बराबर। तो अहींया तमे जोई शको छो तो भाई प्रवेग ए दर्शावेलुं छे। अंतिम वेगने आपणे शुं कहीए छीए? v। प्रारंभिक वेगने आपणे शुं कहीए छीए? u। अने समयने शुं कहेवाय छे? t। विद्यार्थी मित्रों आ बधा जेटला अहींया तमने दर्शाववामां आवेला छे माप, बराबर, ए बधी वस्तु जे संज्ञा छे तमने प्रवेगना सूत्रमां खूब ज उपयोगी थशे। तो अहींया प्रवेगनुं सूत्र आपेलुं छे, प्रवेग बराबर वेगमां थतो फेरफार भाग्या लीधेलो समय। तो अहींया प्रवेग ने इंग्लिश में एसेलरेशन कहेवाय अने एसेलरेशन परथी प्रवेग ने आपणे ए तरीके दर्शाईशुं। तो प्रवेग बराबर अंतिम वेग माइनस शरूआतनो वेग भाग्या लीधेल समय। तो अहींया प्रवेग ए बराबर अंतिम वेग एटले के v माइनस शरूआतनो वेग एटले के u अने भाग्या लीधेलो समय एटले के टी। तो જ્યારે પણ તમને પ્રવેગ પૂછવાનું કે પ્રવેગ શોધવાનું કે તો આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવું। કયું સૂત્ર? a બરાબર v માઈનસ u ભાગ્યા t, જ્યાં v બરાબર શું થાય છે? અંતિમ વેગ, u બરાબર પ્રારંભિક વેગ અને t બરાબર લીધેલો સમય। અને આ પરથી જો તમને પ્રવેગ આપેલો હોય, v આપેલો હોય, t આપેલો હોય તો તમે u પણ શોધી શકો। જો ए आपेलो होय, u आपेलो होय अने t आपेलो होय तो v पण शोधी शको। प्रवेग आप्यो छे, अंतिम वेग अने प्रारंभिक वेग आप्या छे तो तमे समय पण शोधी शको छो। तो बधा दाखलानी चर्चा आपणे आगळ क्यांक ने क्यांक करशुं। तो हाल हवे पछीनो जे तमारो टॉपिक छे ए टॉपिक छे प्रवेगना एकमनी तारवणी। तो प्रवेगनो एकम आपणे कई रीते तारवीए छे तो भाई प्रवेग बराबर शुं थाय वेगमां थतो फेरफार। हवे वेगमां थता फेरफारने आपणे शुं दर्शावीए मीटर प्रति सेकंड भाग्या लीधेलो समय के जेने आपणे शुं कहीए छीए एस तरीके ओळखीए छीए। तो अहींया शुं आवे छे तो जुओ मीटर भाग्या सेकंड अने एना छेदमां पण शुं आवे छे सेकंड। आपणने खबर छे के अंशनो छेद क्यां जाय छेदमां जाय तो मीटर भाग्या सेकंड गुणिया सेकंड जेने शुं कहेवाय छे मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर कहेवाय छे। अथवा तो बीजी भाषामां एवुं लखी शकीए के जो छेदनो सेकंड स्क्वेर अंशमां जाय तो प्लसनी माइनस घात थई जाय तो मीटर इंटू सेकंडनी माइनस 2। जो प्रवेग वेगनी दिशा में होय तो तेनु मूल्य आपने धन मळे छे अने जो प्रवेग वेगनी विरुद्ध दिशा में होय तो आपने प्रवेग नु मूल्य केवुं मळे छे ऋण मूल्य मळे छे एटले के माइनस मळे छे। अहींया केटलीक फेक्ट माहिती आपी छे। ज्यारे कोई गति करता पदार्थना वेगमां समय साथे फेरफार न थाय एटले के वेग अचळ रहे छे बराबर एमां कोईपण प्रकारनो फेरफार न थाय तो ते अचल वेगी गति करे छे तेम कहेवामां आवे छे। परंतु जो समय साथे समान रीते वेग घटतो जाय छे अथवा तो वेग वधतो जाय छे तो ते अचल प्रवेगी गति करे छे तेम कहेवाय छे। अहींया मुक्त पतन करता पदार्थनी गति ए अचल प्रवेगी गतिनो उदाहरण छे। मुक्त पतन एटले शुं तो तमे धाबा उपर ऊभा छो अने त्यांथी तमे बॉलने नीचे फेंको छो तो बॉल जे रीते नीचे गति करतुं आवे छे ए शुं कहेवाय मुक्त पतन। झाड़ परथी पड़तुं सफरजन के केरी ए पण शुं कहेवाय मुक्त पतन। तमे फ्लेटमां रो छो त्रीजा माळे अने त्यांथी तमारा हाथमांथी कोई वस्तु छटके छे अने नीचे आवे छे ग्राउंड फ्लोर पर तो ए पण शुं कहेवाय मुक्त पतन। एटले के अमुक ऊंचाईथी कोईपण पदार्थने तमे छोड़ो छो अने गति करतुं करतुं नीचे आवे छे तो तेने आपणे मुक्त पतन कहीए छीए अने मुक्त पतन करता पदार्थनी गति ए अचल प्रवेगी गतिनो उदाहरण छे। जो कोई पदार्थनो वेग असमान दरथी बदलातो होय मतलब के वेग बदलावानो दर नक्की न होय तो ते प्रवेगी गति गणी शकाय छे। अहींया विविध प्रकारनी गतिना नाम आपेला छे। परीक्षामां पूछाय छे प्रवेग गतिनी दिशामां होय एटले के जे दिशामां तमे गति करता हो ते दिशामां प्रवेग लागतो होय। प्रवेग गतिनी विरुद्ध दिशामां होय एटले के तमे उत्तर दिशामां गति करता हो अने प्रवेग दक्षिण दिशा में लागतो होय एटले के विरुद्ध दिशा में। प्रवेग अचळ होय अने चौथुं छे प्रवेग असमान होय। त्रीजो मुद्दो एवो के प्रवेग अचळ एटले के प्रत्येक वखते समान दरथी के समान सॉरी अचळ एटले के एनी जेनी किंमत बदलाती न होय अने असमान होय एटले के का तो વધતો રહેતો હોય का तो घटतो રહેતો હોય। तो विद्यार्थी मित्रों एना परथी एक मस्त दाखलो आप्यो छे। रकम खास सांभळजो। स्थिर अवस्थामांथी राहुल पोतानी साइकल चलावવાની શરૂઆત કરે છે। હવે જ્યારે પણ રકમમાં તમને સ્થિર અવસ્થા કીધું હોય ત્યારે પ્રારંભિક વેગ u ની કિંમત હંમેશા 0 લેવામાં આવે છે। એટલે કે સ્થિર અવસ્થામાંથી રાહુલ પોતાની સાયકલની શરૂઆત કરે છે અને 30 સેકન્ડમાં તે 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો વેગ મેળવે છે એટલે કે પ્રાપ્ત કરે છે અને ત્યાર પછી તે બ્રેક મારે છે કે જેથી સાયકલનો વેગ શું થાય છે તો ભાઈ 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડથી ઘટીને 5 સેકન્ડમાં 4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થાય છે। તો બંને કિસ્સામાં સાયકલના પ્રવેગની ગણતરી કરો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આ દાખલો બે કિસ્સામાં ગણવાનો છે પ્રથમ કિસ્સો અને તૃતીય કિસ્સો। હવે શું થાય છે રાહુલ સ્થિર અવસ્થામાંથી સાયકલની ગતિની શરૂઆત કરે છે તો પ્રારંભિક વેગ શરૂઆતનો u वेग u बराबर शू आवशे 0 मीटर प्रति सेकंड। केम 0 आवशे तो राहुल शू करे छे गतिनी शरूआत करे छे अने एनो अंतिम वेग केटलो थाय छे तो भाई v बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड थाय छे। समय t तमने आपेलो छे केटलो छे 30 सेकंड। तो तमारे प्रवेग a नी किंमत क्वेश्चन मार्क आपेली छे ए तमारे शोधवानी छे। तो आपणे सूत्र मूकवानुं शुं मूकवानुं प्रवेग बराबर वेगमां थतो फेरफार भाग्या लीधेलो समय। सूत्र शुं आवे प्रवेग बराबर अंतिम वेग माइनस शरूआतनो वेग भाग्या समयमां फेरफार v माइनस u भाग्या t। हवे वी तमने केटलो आपेलो छे रकम में जोई शको छो 6 मीटर प्रति सेकंड अने u केटलो आपेलो छे 0 अने समय t केटलो आपेलो छे 30। तो 6 - 0 भाग्या 30 अहीं अमे गणतरी दर्शावेली छे 6 - 0 केटला थाय 6 अने नीचे 30 एम ना एम। ओके अवयव पाडीने समजावू तो 3 * 2 6 अने 30 नीचे एम ना एम। तो अहींया उडी जाय 3 दान 30 2 भाग्या 10 तमने दशांश अपूर्णांक आवड़े छे पॉइंट कापी नाखो नीचे एक बिंदु छे तो ऊपर शुं आवशे 0.2 मीटर प्रति सेकंड नो वर्ग मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर अथवा तो 0.2 मीटर इंटू सेकंड डेस टू -2। हवे बीजा किस्सानी चर्चा करीए तो विद्यार्थी मित्रों जे आपणे आगळ अंतिम वेग लीधो तो केटलो लीधो तो 6 ए अंतिम वेग बीजा किस्सा माटे शुं थाय छे प्रारंभिक वेग u बनी जाय छे। तो प्रारंभिक वेग u केटलो आवशे 6 मीटर प्रति सेकंड अने ब्रेक मार्या बाद तेनो अंतिम वेग केटलो बने छे 4 मीटर प्रति सेकंड थाय छे अने एना माटे लागतो समय t केटलो छे 5 सेकंड छे। तो प्रवेग बराबर शुं आवशे अंतिम वेग माइनस शरूआतनो वेग भाग्या समय v माइनस u भाग्या v કેટલો આપેલો છે 4 u કેટલો આપેલો છે 6 ભાગ્યા t એટલે 5। તો 4 - 6 ભાગ્યા 5। હવે 6 માંથી 4 જાય તો કેટલા આવશે 2 પણ મોટી સંખ્યાની નિશાની કઈ છે માઈનસ તો અહીંયા શું આવશે -2 ભાગ્યા 5। હવે -2 ભાગ્યા 5 તમે કરો તો તમને જવાબ કેટલો મળશે -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर मळे छे -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर अथवा तो -0.4 मीटर इंटू सेकंड डेस टू -2। तो अहींया प्रथम किस्सामां तमने प्रवेग धन मळ्यो के जेनी किंमत केटली छे 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर अने बीजा किस्सामां तमने केटलो मळे छे -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर। तो विद्यार्थी मित्रों आना परथी एक वस्तु साबित थई गई कि भाई प्रवेगनुं मूल्य धन अने ऋण बंने होई शके छे शून्य पण होई शके छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणो जे प्रवेगनो टॉपिक छे ए टॉपिक अहींया पूर्ण थाय छे अने आवती काले आपणे चर्चा करशुं गतिनुं आलेखीय निरूपण। आलेख लाववानी जरूर नथी एम ज अत्यारे चाली जशे। तो विद्यार्थी मित्रों हूँ आशा राखूं छुं कि आ विडियोनी अंदर तमने संपूर्णपणे खबर पड़ी हशे दाखला आवडशे। ओके तो जो विद्यार्थी मित्रों आ वीडियो तमने गम्यो होय तो प्लीज वीडियो ने लाइक करजो कि जेथी साहेब ने सपोर्ट मळे बराबर। वीडियो ने वधु अन्य विद्यार्थी मित्रों सुधी शेर करजो वीडियो पर कमेंट करजो अने जो तमारो सपोर्ट सारो रह्यो तो आपणे आ रीते अविरतपणे आगळ कार्य करता रहीशुं। अने जो हजी सुधी मारी यूट्यूब चेनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विथ फन ने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करी लेजो बेल आइकन पण दबावी देजो कि जेथी आवनारा दरेक नवा विडियोनी माहिती तमने नोटिफिकेशन द्वारा मळती रहे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।